आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। नमस्कार, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम क्लास 6 इंग्लिश की बुक हनी सकल की पोयम नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द काइट। द काइट का मतलब होता है पतंग, और ये पोयम लिखी गई है बाय हैरी बेन के द्वारा। इस पोयम में राइटर ने यह बताया गया है कि किस प्रकार से एक नई पतंग जब आकाश में उड़ती है, नीले आकाश में, तो वो बहुत ही सुंदर दिखती है। और उस दौरान जो भी कलाकृतियां एक पतंग के द्वारा की जाती है, वो इस पोएम के अंदर उसका वर्णन किया गया है। और अंत में ये कवि कहता है कि जब वही पतंग किसी पेड़ में अटक कर फट जाती है, तो हम में से कोई भी उस पतंग को देखना पसंद नहीं करता है, और वह पतंग बिचारी अपने धागे के साथ उसी पेड़ में फड़फड़ाती हुई रहती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा राइटर हैरी बेन, उसने क्या क्या कलाकृतियों के बारे में बताया गया है। तो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, यहाँ ब्लू का मतलब है आकाश, यहाँ ब्लू का मतलब है आकाश। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज द काइट व्हेन इट्स न्यू, जब एक पतंग नई होती है और जब वो आकाश में, नीले आकाश में उड़ती है, तो बहुत ही सुंदर दिखती है। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, नजर आती है और बहुत ही मनमोहक दिखती है। विद डाइव एंड ए डिप, डाइव का मतलब गोते मारना, डिप का मतलब नीचे, और जब वही पतंग ऊपर नीचे होती है, जब वही पतंग आकाश में हवा के साथ कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, इट स्नैप्स इट्स टेल, और उसकी जो पूंछ है, स्नैप का मतलब आवाज करना, जब उसकी पूंछ आवाज करती है, उससे विभिन्न प्रकार की ध्वनि निकलती है, तो पतंग बहुत ही सुंदर दिखती है। देन सोर्स लाइक द सिल्क, अब यहाँ पर जो हमारा राइटर है पोइट, वो पतंग की तुलना एक जहाज से कर रहा है, तो बोला है जिस प्रकार से एक जहाज लहरों के ऊपर तैरता है, उसी प्रकार एक पतंग हवा के साथ आकाश में तैरती है। Then soars like a ship with only a sail, जैसे कि एक जहाज पानी के ऊपर तैर रहा हो, उसी प्रकार पतंग नीले आकाश में हवा के साथ तैर रही होती है। As over tides, tides का मतलब लहरें, जिस प्रकार लहरों के ऊपर जहाज तैरता है, of wind it's like, उसी प्रकार जो पतंग है वो हवा के साथ साथ, राइट्स का मतलब दौड़ रही है, वो हवा के साथ पतंग भी दौड़ रही है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब चोटी, और क्लाइम यानी चढ़ना, जो पतंग है वो हवा के साथ दौड़ती है, तो वो बहुत ऊंचे तक चली जाती है, पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाती है। ऑफ ए जस्ट एंड पुल, जस्ट यानी होता है खींचना, जब हम डोर को खींचते हैं पतंग को, और पुल यानी खींचना, जस्ट का मतलब झटके देना, जब हम पतंग के साथ डोर से झटके देते हैं, तो जो पतंग है वो हवा के साथ पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट, और तब हमें ये एहसास होता है कि जैसे कि पतंग आराम कर रही है, एज विंड फॉल्स, लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, तो जो हमारी पतंग है वो भी आकाश में रुक जाती है, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि पतंग कुछ देर आराम कर रही हो। वेयर स्प्रिंग गोस स्लैक, और जब धागा स्लैक ढीला पड़ना, और जब धागा ढीला पड़ जाता है, यू विन इट स्लैक, तब हम धागे को वापस पीछे खींच लेते हैं, एंड रन अंटिल, और तब तक दौड़ते रहते हैं, अ न्यू ब्रीज फ्लो, और धागे को हम खींचते रहते हैं, जब तक खींचते हैं तब तक एक नई हवा बहना नहीं प्रारंभ कर दे, ब्रीज यानी हवा, ब्लो यानी बहना, और जब एक नई हवा बहना प्रारंभ कर देती है, एज इट्स बीइंग फिल्ड, तब वापस ऐसा लगता है कि जो पंख है पतंग के, उनके अंदर हवा भर चुकी है, एंड
अब इट गोज और वापस वो हवा के साथ ऊपर की ओर पतंग चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स ब्लू, और जब पतंग नहीं होती है तब आकाश में बहुत ही सुंदर और चमकीली नजर आती है। बर्ड्स अ रेगुलर थिंग, लेकिन एक फटी पुरानी, रेगुलर का मतलब होता है टूटी फूटी या फटी पुरानी चीज, यू नेवर विल सी, तुम उसे कभी नहीं देख सकते। यहाँ हमारा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जब वही पतंग नहीं होती है तो आकाश में उड़ती हुई बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन वही पतंग जब फट जाती है तो उसमें से यू नेवर विल सी, हम उसको देखना भी नहीं चाहते। व्हेन इट फ्लैश, फ्लैश का मतलब फड़फड़ाना, और जब वही जो पतंग फट चुकी है फड़फड़ा रही है ऑन ए स्ट्रिंग धागे के साथ इन द टॉप ऑफ ए ट्री, जब वही पतंग एक पेड़ के अटक कर फट जाती है और बेचारे धागे के साथ फड़फड़ा रही है, तब हम में से उस पतंग को कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। आशा करता हूँ कि आज आपको द काइट पोएम अच्छी प्रकार समझ आई होगी। इस पोएम में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा पोएट है वो ये कहता है कि जब पतंग नहीं होती है तो आकाश में उड़ती हुई बहुत ही सुंदर लगती है और वह विभिन्न प्रकार की अटखेलियां करती है, और जैसे कि जहाज जो कि लहरों के ऊपर चलता है उसी प्रकार एक पतंग हवा के साथ साथ दौड़ती है, कभी पहाड़ों को छूती है तो कभी समुद्र को छूती है, लेकिन वही पतंग जब एक ऊंचे पेड़ का टक्कर फट जाती है तो हम में से कोई भी उस पतंग को देखना नहीं चाहता। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। आगे वाले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।